पोषण माह के तहत दीनानाथपुर बगीचा में न्यूट्री गार्डन की शुरुआत जिले के डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जली ने किया। बुधवार को काठीगारा विधानसभा क्षेत्र के गड़ेर भीतर गांव पंचायत में निर्वाचित आदर्श ग्राम दीनानाथपुर बगीचा में पोषण माह के अंतर्गत न्यूट्री गार्डन की शुरुआत कछार जिले के डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जली ने किया। इस दौरान विधायक अमरचंद जैन भी मौजूद रहे। आज ही हम पोषण माह के तहत हम न्यूट्री गार्डन जो है आदर्श ग्राम के अंदर हर घर में एक न्यूट्री गार्डन कर रहे हैं। हमारे अभी 200 घर है, उसमें ऑलरेडी हम 140 घरों में शुरू किया है काम, जिसमें किचन गार्डन जो है मतलब वही सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। उसके तहत हमारे न्यूट्री सहायक, पोषण सहायक करके भी बनाए हैं, जो घर घर जाके एक सर्वे करेंगे कि कितना उनका न्यूट्रिशन स्टेटस है बच्चों का और उसमें क्या हेल्प चाहिए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिलके फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी आज रिलीज़ किया गया है। ये आदर्श ग्राम दीनानाथपुर बगीचा हमने किया है। अब इसमें फेज़ वाइज में काम कर रहे हैं, तो ये पोषण माह के तहत हर घर में हर किसी को कुपोषण से लड़ना है, यही हमारी प्रयास है। अमिताभ राय जी, हमारे स्पेशल ऑफिसर डीआरडी है रसराज जी, हमारे वीडियो कलैन प्लानिंग ऑफिसर रुली, हमारे CDPO, हमारे पोषण टीम, या आज से जो मैंने आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और दीनानाथ ग्राम के वासी एंड फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरा दूसरा बार आने को है इसी महीने के तहत, क्योंकि ये गांव पे हम फोकस कर रहे हैं कि इसको आदर्श ग्राम कैसे करें। आदर्श ग्राम पहला दिन नहीं होता है, वो काम करने में आदर्श बनता है। हमारा प्रयास यही है कि इसमें बिजली, पानी, बैंक, घर, गैस, ये जो भी बेसिक सर्विसेज जो सरकार से मिल रहा है, ये गांव में 100% सैचुरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसमें ये सितंबर माह में स्पेशली हम पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें चर्चा चल रही है कि भारत देश को, कछार जिले को कैसे कुपोषण मुक्त करना है। कुपोषण मुक्त करने में आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड आंगनवाड़ी दीदी का बहुत बड़ा रोल होता है। माना जाता है कि बच्चा फर्स्ट 5 ईयर्स में अपना दिमाग स्ट्रांग होता है, तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स में उनको जितना ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना दे सकते हैं, वो उससे और भी अच्छा हेल्प हो सकता है। न्यूट्रिशन पे फोकस, उनको खाना, अच्छा खाना मिलाना, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके तहत आई मस्ट अप्रिशिएट रूली, हमारे नरेगा के इंजीनियर, हमारे DRDA के सिंह साहब बहुत प्रयास किए हैं, पोषण टीम इतना सुंदर से सजाए हैं, मॉडल बनाए हैं। ये जो मॉडल आप देखेंगे, ये न्यूट्री गार्डन, हर घर में हमारी प्रथा है कि एक छोटा सा किचन गार्डन हम रखते हैं। इससे हम वेजिटेबल सीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के संग से। ये सीड्स जो प्लांटेशन हम दिए हैं, 138 बेनिफिशरीज को दे रहे हैं कि वो उनके घर के सामने, घर के पीछे, घर के बाजू ये गार्डन डेवलप करना एक आदत डाले, ताकि जब सब्जी नहीं मिलता है वो फिर भी वो सब्जी खुद से उगा के खा सकते हैं। पौष्टिक आहार से ही ये दृढ़ता मिलती है, शक्ति मिलती है, स्ट्रांग हो, अच्छा खाना खाता है, घर का खाना खाते हैं, उनको वो रोग से लड़ने की क्षमता और होती है, सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, तो देखते देखते वो 10-14 दिन में निकल जाता है। मैं इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि न्यूट्रिशन जो है, पौष्टिक आहार जो हम बोलते हैं, उस पर फोकस कीजिएगा, अच्छा खाना कीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, October 1st कल से शुरू है, अक्टूबर पूजा का सीजन है, एक ही रिक्वेस्ट है, शॉपिंग करिएगा, आप पूजा घर पे मनाइएगा, बट मास्क पहनना, हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन करना मत भूलिएगा। डीसी मैडम कीर्ति जली उपस्थित, हमारे स्पेशल ऑफिसर राज साहेब उपस्थित, हमार जिला परिषद चेयरमैन राय साहेब उपस्थित, हमार कलाइन ब्लॉक के BDO उपस्थित, काठीगोड़ा ICDS
অফিসার উপস্থিত অঙ্গনাদি ওয়ার্কার এন্ড হেল্পার উপস্থিত এই গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ সবাইকে আমার নমস্কার। পোষণ মাস, এই পোষণ মাস সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই পোষণ মাসের প্রথাটা